राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के द्वारा फिरोजाबाद के गांव बेंदी में बापू बाजार का किया गया आयोजन। फिरोजाबाद जनपद के गांव बेंदी में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के द्वारा एक मेले का आयोजन किया गया, जिसका नाम बापू बाजार रखा गया, जहां गांव वालों के लिए NSS के द्वारा पुराने कपड़ों को धुलकर इस्त्री कर पैक करके गांव वालों को बेचा गया। इन कपड़ों की कीमत महज 1 रुपए से अधिकतम 20 रुपए तक रखी गई। संस्थान का कहना है कि हम गांव वालों की मदद करना चाहते थे, किंतु उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे इस कारण हमने यह अनूठा प्रयास किया है और उन्हें 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की धनराशि लेकर कपड़ों को दिया गया है। अधिकतर देखा गया है कि गरीब और परेशान होते हुए भी लोग अपने आत्मसम्मान के कारण मुफ्त लेना भीख लेने के बराबर समझते हैं, इसलिए हमने यह नवीन प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद। जी नमस्कार, ये हमने प्रोग्राम रखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय बैदी गांव में। हमें ये राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के तहत ये प्रोग्राम रखा हुआ है और इसका हमने नाम दिया है बापू बाजार। बापू बाजार नाम इसलिए दिया, और हमारा जो कॉन्सेप्ट ये था कि हम गांव वालों की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन हमें लगा कि अगर हम गांव वालों को कोई भी सामान ले जा करके ऐसा देंगे तो उनके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचेगी, आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी। तो एक हम लोगों ने अनूठा बाजार का कॉन्सेप्ट सोचा कि हम ये सारे कपड़े कलेक्ट किया, बच्चों ने घर से अपने कपड़े ले करके आए, उनको बकायदा वॉश करवाया, आयरन करवाया और उनको रैप करवाया कि वो नए जैसे जैसे एक सम्मान के साथ देना। उनको कराने के बाद हम इस प्राथमिक विद्यालय में आए और हमने इनका मूल्य रखा है 1 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक हमारा जो मैक्सिमम मूल्य रहेगा। इसमें आप हर तरीके के कपड़े देखेंगे, साड़ी भी है, फ्रॉक सूट भी है, बच्चों के कपड़े हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमारा यही था कि अगर हम सहयोग करें तो स्वाभिमान के साथ करें, क्योंकि जब वो पैसे से खरीद करके कपड़े पहनेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगेगा कि हमने कपड़े खरीद के पहने हैं, हमें किसी ने भीख नहीं दिया है, किसी ने गरीब समझ के हमें दान नहीं किया। तो बस एक सहयोग की भावना थी और वो सहयोगी आत्मसम्मान के साथ वो ले जा करके पहने, इस भावना से हमने यहाँ पर बापू बाजार का आयोजन किया है।